हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल ही सही, और सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़ना ना भूले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसी के साथ जुड़िए हमारे अनदर चैनल पे भी, जिसमें आपको मिलेगी बहुत सारी एडवाइजेस अबाउट लव, लव लाइफ और डिग्री लाइफ जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप ज़रूर विजिट कीजिए चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। और उसी के साथ विजिट कीजिए हमारे अनदर चैनल पे जो कि है लट्टू लाइफ, यानी कि यहाँ पे आपकी माइंड की अच्छी खासी टेस्टिंग होगी मज़ेदार पहेलियों के साथ और इंटरेस्टिंग माइंड पजल्स के साथ। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ना ना भूले, वीडियोस को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है हमारा, इग्नू के स्पेशल रूल्स के बारे में, यानी इग्नू जो है वो अपनी पासिंग मार्क्स को लेकर बहुत सारे नए नियम बना चुका है। इग्नू की जितनी भी पुरानी अपडेट है आपको बहुत सारी यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरे वीडियो को जरूर देखें। पहले का जो सिस्टम था इग्नू में अब चेंज हो चुका है। जैसे इग्नू के बदलावों की बात करें, तेगनू ने अब अपने कोर्सेज के एकेडमिक ईयर को भी चेंज कर दिया है। जहां पहले अगर आप एक मास्टर डिग्री का कोर्स करते थे, आपको 2 साल मिनिमम समय आपको दिया जाता था, वो आप 5 साल से 4 साल कर दिया गया है। वैसे ही आपके पासिंग मार्क्स को भी लेकर बहुत सारे नए नए बदलाव हुए हैं। क्या अब कैसे आपको कितना नंबर लाना है जितने आप पास करेंगे, और गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं करोगे। बहुत सारे लोग आपसे ये कहते हैं कि इग्नू में पास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इग्नू जितना पास करना आसान कहीं भी, इग्नू से जितनी जल्दी आप पास हो सकते हो और इग्नू में पास करना, अच्छे नंबर लाना बहुत ही आसान है, चाहे वो आपका असाइनमेंट हो या फिर आपके थ्योरी के पेपर। ये बहुत बड़ा फोबिया फैला के रखा गया है, बहुत भ्रामिक कंडीशंस है कि आप सबको ये कहा जाता है कि इग्नू में पास करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि कितने नंबर लाने से आप पास होंगे, कितने नंबर के लिए आप कैसे तैयारी करें। सबसे पहले नए नियम जो है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो पूरे वीडियो में बताऊंगी वो है कि आप एमए में यानी मास्टर्स डिग्री में, यूजी में, पीजी में, सर्टिफिकेट कोर्स में, असाइनमेंट में, थ्योरी में कितने नंबर लाने से आप पास होंगे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, इतनी डिटेल और इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगी, इजी से समझ लेना, आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 100 में से इग्नू में 100 में से इग्नू के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है। जैसे आपने 100 में से, अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो आप कितने नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे। वैसे आपको बता दूं, इग्नू में आपको पास होने के लिए असाइनमेंट और थ्योरी दोनों के नंबर होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने असाइनमेंट के मार्क्स नहीं ऐड होते हैं और सिर्फ इग्नू में थ्योरी के पेपर के ऐड होते हैं, नहीं, आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो आपके दोनों नंबर से बनता है, यानी आपके असाइनमेंट से भी और आपके थ्योरी से भी। इग्नू स्नातक यानी यूजी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको बस 35% सुरक्षित करना है। इसका मतलब है कि आपको 35% नंबर लाना है, 100 में से 35 अंक आपको लाना है, ठीक है। ये यूजी वाले यानी कि ग्रेजुएशन वालों के लिए है, इसलिए आपको टर्म एंड और सिद्धांत में मिनिमम 35 अंक प्राप्त करना होगा। अगर आप एक यूजी कोर्स में है, ग्रेजुएशन में, तो आपको 35 नंबर लाने। अब 35 नंबर आपको दोनों में से लाने, कहने का मतलब है असाइनमेंट से भी और आपके थ्योरी से भी, ठीक है। लेकिन 35% मिनिमम मार्क्स है, उससे ज्यादा आप ला सकते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स की बात करें तो अगर आप 35 नंबर लाते हैं 100 में से तो आप पास हो जाते हैं। अब इसका कैलकुलेशन इग्नू में कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। असाइनमेंट परीक्षा के लिए आपको 50% लाना होगा, जिसका अर्थ है 100 में से 50। मास्टर्स के लिए, मास्टर्स डिग्री में जो भी है, थ्योरी पेपर में आपको 40 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है, 40% मार्क्स आपको लाने जरूरी है। दूसरी बात है, यहाँ पे कोई कैसे इग्नू परीक्षा पास कर सकता है। देखिए, इग्नू परीक्षा पास करना बहुत इजी है। इग्नू परीक्षा पास करने का सबसे अच्छा तरीका है पिछले वर्ष के प्रश्न से गुजरना, यानी प्रीवियस ईयर के आप सॉल्व पेपर है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप सारे पढ़ डालो। ऐसा नहीं आपको 10 साल के करने हैं, मिनिमम आपको 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर आपको कर लेना है।
कुछ सीनियर्स और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के अनुसार इग्नू एग्जाम दिया था जिन्होंने, अगर उनका कहना है कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं तो इसका परीक्षा पैटर्न मिल जाएगा और आपको सीधे सीधे 90% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। आप पूछते हो कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि इग्नू का क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। इग्नू कोई क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं करता। हाँ, स्पेशल क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं करता, लेकिन आपके लिए इग्नू बस इतना कहता है कि प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप पढ़ लो, उसी में से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको पास करने का तरीका तो मैंने बता दिया, बहुत इजी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? या फिर वीडियो देख लीजिए, रेशन प्रोसेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करें, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। इग्नू में बीएससी के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? अब देखिए, अलग अलग है। कुछ सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल वाले नहीं है। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो इग्नू पास करने के लिए 100 में से 35% आपको रिसीव करना होता है सिद्धांत के रूप में, यानी थ्योरी के रूप में 35 और 50% असाइनमेंट पे। इग्नू में एक रूल है, आपने 35 नंबर लाया, ठीक है, थ्योरी में 50 नंबर आपने असाइनमेंट में लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों नंबर दे दिए जाएंगे कैलकुलेट करके, नहीं। इग्नू में रूल है कि अगर आपने नंबर लाया उसके बाद आपको ऐसे किया जाता है, जैसे स्कोरिंग की हम गणना करते हैं, तो स्कोरिंग ऐसे किया जाता है। सपोज यहाँ बता रहे मास्टर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री या फिर कोई भी कोर्सेस हो, इग्नू में यही है कि आपने जैसे यहाँ पे अपना टीएमए में 80 नंबर लाया, ठीक है, तो टीएमए का आपको 30% मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए, आप जितना भी स्कोर करते हैं इग्नू में, आप अगर अपना असाइनमेंट में 80 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, जितना भी नंबर लाते हैं उसका 30% ही आपका जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 80 नंबर ले आया तो आपने 80 आपको पूरा दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में समझिए कि इग्नू में यही है, 80 नंबर अगर आपने लाया, 60 नंबर लाया, जितना भी नंबर लाते हैं उसका 30% निकाल दीजिए, उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने 80 नंबर लाया तो इसका 30% कितना होता है, 24 होता है, तो आपको 24 नंबर ही आपका असाइनमेंट से जुड़ेगा। उसी तरह अगर आपने 60 स्कोर किया, यानी कहने का मतलब आपने थ्योरी में 60 नंबर लाया, तो फिर आपको कितने नंबर मिलेगा? तो इस हिसाब से जितना भी आप थ्योरी में करते हैं उसका 70% आपको मिलता है। जैसे अगर आपने 60 लाया, अपने थ्योरी पेपर में आपने 60 नंबर लाया, तो उसका 70% हम अगर निकालते हैं तो वो होता है 42। सिर्फ आपको 42 नंबर ही आपका यहाँ पे जुड़ेगा एज अ थ्योरी पेपर में। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, अगर आप थ्योरी में 60 नंबर लाते हैं और टीएमए में 80 नंबर लाते हैं, तो इस हिसाब से आपका जो फाइनली कट के आता है नंबर वो आपका 24 और 42, यानी 66, यही आपका फाइनल नंबर हुआ, यही आपका ग्रेड कार्ड में आपको नंबर मिलेगा। तो आप ये ना सोचिए कि हमने तो इतना नंबर लाया था तो इग्नू ने हमें पूरा नंबर नहीं दिया, क्योंकि इग्नू जो स्कोरिंग करता है वो इसी तरह स्कोर वो करता है, ठीक है? अब हम ये बात आपको बता रहे हैं, मास्टर डिग्री हो चाहे यूजी पीजी कोई भी कोर्स हो, सबके लिए यही चीज निर्धारित की गई है। इग्नू में पासिंग मार्क्स की जांच आप कहाँ से कर सकते हैं? सबसे पहले आपको इग्नू के वेबसाइट पे, जो कि जिसका लिंक है ignu.ac.in पे जाना होगा। अपने होम पेज में आपको आपका सब्जेक्ट चूज करना होगा, उसके बाद आप पासिंग मार्क्स लिस्ट पर जाकर डाउनलोड बटन से डाउनलोड क्लिक कर सकते हैं। आपको जो है रिजल्ट वाले टैब में जाना होगा, रिजल्ट वाले टैब में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पासिंग मार्क्स। वैसे दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इग्नू किस तरह कैलकुलेट करता है आपको 90% मार्क्स लाने के लिए, 90 नंबर लाने के लिए, और आपको अच्छे नंबर से पास होने के लिए कौन सी चीज़ें करनी होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। किसी तरह इंटरेस्टिंग और नए नए नियम आपको जानने के लिए इग्नू की सारी अपडेट हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। और उसी के साथ दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, आपको जो असाइनमेंट सबमिट करना होता है उसके फ्रंट पेज को आप ज़रूर से ज़रूर लिखा कीजिए। फ्रंट पेज जो होता है उसे डाउनलोड कर लीजिए, और क्वेश्चन जितने शब्दों में आपको देने के लिए कहा जाए उतने शब्दों में दीजिएगा। जैसे इसमें कहा गया है 3000 शब्दों में अपना असाइनमेंट सबमिट करें, तो आप यहाँ पे 3000 शब्द कैसे लिखेंगे? तो रिपोर्ट लिखना बहुत इजी है आपके लिए, कम से कम 9 या 10 पेज, आप 10 पेज एटलीस्ट 3000 वर्ड्स के लिए आपको 10 पेज लिखना ही होगा।
तो पेज वाइज इग्नू में ये नंबर दिया जाता है, देखा जाता है कि आपने कितने पेजेस लिखे, क्योंकि उसी हिसाब से वो रिकॉर्ड करते हैं कि 3,000 के लिए 7 या 8 पेज होगा या 10 पेज हो सकता है, इसी तरह एवरेज निकाला जाता है। तो मैं आपको इतनी सारी डिटेल बता रही हूँ, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए। लेट टू लाइफ एंड आरवी के एडवाइस। थैंक यू सो मच।